पंचमत देवताश्वा प्रेयंताम प्रेयंताम अतीतांगण सकल सकल सिद्ध समश्वा प्रेयंताम सदकालमपि गुणदंडि नाम दियेश संपदिरस्तु सिद्धिरस्तु पुष्टेत पुनमत पुनत संपन्नता धर्मवर्ता रमजाम चिम चुसुदर्त दोतायाम कीर्ति सामोद प्रामोद भवतो तथास्तु शांतिर भवतो तथास्तु सिद्धिर भवतो तथास्तु वृद्धिर भवतो तथास्तु आरोग्य भवतो तथास्तु पुण्यवर्तां धर्मवर्तां श्रीवर्तां कुलगुरारां जं चिं च स्वस्ति स्वस्ति मे स्वाहा। ओम नमो रते भगवते श्रीमती पाषण रतप्रताय सुखजा दर्शन सुखा सत्यम श्री गुणदनंदीना मृत्युम चुनाम चुना बलिकाम क्रोधम चुना पापम चर्विंद सरस्वत्म चुना सर विघ्न चाम नम सरमंत्र सर सुलोरोगम सर्वग्रह सर्व परमंत्र सर्व सुलोरोग ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाशेषा दिव्य तेजो मूर्ति नम श्री पार्श्वनाथाय शांतिनाथ शांतिकराय सर्व पाप नाशन सर्व रोग सर्व चाम सर्वप्रकृष्ण ओम राम रीम रूम राम असी अवसर गुणदनंदीनाम दियेश सर्व रोग उपद शांति कुरुकुरु तुष्टिम पुष्टिम हृदयम सिद्धिम कुरुकुरु स्वाहा। ओम नमो भगवतो वर्धमान सरिसम चक्कम दृढ़तम गच्छे आया संपाया संजीव विवादे वा तंबिन वा रगिन वा मायिन वा सा सर्व सर्व जीवानां रक्ष रक्ष हुं पट स्वाम। ओम नमो भगवतो वर्धमान सरिसम चक्कम जलतम आय संपाया संजीव विवादेव तम्मेन वारेनेगिन वारायिन वा मुइन वा सब जीव सत्ता नमा पराजितो भवतु भवतु वा रक्ष रक्ष स्वाहम। ओम राम नमो अरहंतानम ओम रीम नमो सिद्धानम ओम रूम नमो आयिर्यानम ओम रूम नमो अज्जायनम ओम रह नमोलुए सुब्ब साहुनम। सर्व अपमृत्युम गाते गाते आयुष वर्धय वर्धय स्वाहा। आइए आप सभी को जीवन में बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है जिसके बिना हम लोग जी नहीं सकते रह नहीं सकते, जिसकी आवश्यकता हम सभी के लिए है। और यह आज की जो है वह आपका जो प्रतिपादन कर रहा हूं यह बहुत ही जो है महत्वपूर्ण वस्तु आपको प्रदान कर रहा हूं। नवरात्रि के अंदर इसका भी एक दिन जो है महायज्ञ होगा, जो यज्ञ आप सभी के लिए भी कल्याणी होगा और जन समाज के लिए भी कल्याणी होगा और हमारे लिए भी कल्याणी होगा। वो यज्ञ ये है वास्तु दोष निवारण। अब सबसे पहले यह समझ लेते हैं जैन धर्म में वास्तु का कहीं वर्णन है क्या नहीं। हर आदमी अपनी अपनी पद्धति से अपने अपने बोल से बोलता है, कोई कहता है वास्तु गलत है, कोई कहता है सही है, कोई साधु कहता है नहीं है, कोई कहता है मानना चाहिए। हर आदमी हर तरह से दिग्भ्रांत हो रहा है। वास्तविक वास्तु क्या है, क्या जैन धर्म से संबंधित है या नहीं, एक क्वेश्चन का उत्तर अपने दिल दिमाग में समझना है कि वास्तु ही जैन धर्म का अंग है। और इसको जो मैं आपको क्रमेण आपको समझाता हूं, और वास्तु जो है वास्तविक प्रतिपादन करने वाले अगर भूमि में कोई पहला कौन महायुग अवतार रहा तो हमारे आद्य तीर्थंकर भगवान आदिनाथ रहे। भगवान आदिनाथ की ही देन है जो वास्तु का प्रतिपादन हमारे भारत भर में पहली बार हुआ। अब बोलेंगे वो कहां, आपको याद होगा भोग में समाप्त हो गई, सारे संसार लोक
भय आतुर हो गए, घबरा गए। तब कहा गया आज सभी जो है चले आदिनाथ भगवान के पास। तो उस समय आदिनाथ भगवान ने छह प्रकार की विद्याएं बताई, असी मसी कृषि वाणिज्य और शिल्प और विद्या। ये जो छह प्रकार की जो शिल्प है, शिल्प का अर्थ क्या होता है? वास्तु होता है। तो भगवान आदिनाथ से मुख से निकला हुआ, उससे भी आगे अगर आप उसके पहले बात करें, मात्र चतुर्थ काल नहीं, चतुर्थ काल के पहले जो तृतीय भोगमिति, वहां भी हमारी वास्तु का उल्लेख मिलता है। कहां उल्लेख मिलता है? आपको याद होगा, आप सभी को पता होगा कि जो जिन्हें कल्प वृक्ष होते थे, कितने प्रकार के कल्प वृक्ष होते थे आपको याद होगा? याद नहीं है तो मैं बता दूं, 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते थे। और 10 प्रकार के कल्प वृक्ष में आलयांग नाम का जाति का जो कल्प वृक्ष होता था, वो भवन आदि प्रकट करते थे और देते थे। वहां भी भूमि भवनों की उल्लेख दिया है। और जितने जो द्वादशांग और 11 अंग 14 पूर्व है, तो जो 14 पूर्व है, 14 पूर्व के अंदर क्रिया विशाल नाम का जो पूर्व है, कौन सा? क्रिया विशाल नाम का जो पूर्व है, उसमें 72 कलाओं का वर्णन मिलता है। और 72 कलाओं के अंदर वास्तु भी एक कला है कि वास्तु को कैसे बनाया जाए, वास्तु को किस प्रकार नियोजित किया जाए, वास्तु के साथ हमारा किस प्रकार की संबंध होना चाहिए, ये सारी हमारी वास्तु को किस प्रकार खरीदी जाए, भूमि को किस प्रकार खरीदी जाए, जिन मंदिर, जिन चैत्य चैताले, दुकान मकान और अनेकों प्रकार के किस प्रकार का निर्माण हो, यह जो है क्रिया विशाल नाम के पूर्व में 72 कला को वर्णन में वास्तु का उल्लेख वहां भी मिलता है। इसके अलावा आपको बता दूं, हमारे जो 12 चक्रवर्ती हुए हैं भारत देश के अंदर, 12 चक्रवर्ती के पास 9 निधियां होती थी। इतना तो सुना ही है ना, 9 निधियां होती थी। वो जो है 9 निधि के अंदर नई सर्प करके एक निधिया है, जो निधि 9 निधियों में एक निधि नई सर्प के अंदर, वो क्या करता है? वास्तु को बनाता है, वास्तु के भवनों को निर्माण करता है। ये बात भगवानों के से द्वारा भी देखा गया, सुना गया और वास्तु वे। उसके बाद आपने प्रतिष्ठा सारोद्धार, प्रतिष्ठा आचार्य नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती का एक प्रतिष्ठा शास्त्र मिलता है। उस प्रतिष्ठा शास्त्र में क्या लिखा है आप थोड़ा सुन लीजिए। जैनम चैत्यालयम चैत्यभूतम निर्मापणम शुभम वांचनम सस्तनर्पदेवश्य वास्तुशास्त्रम न लंगेत। क्या कहते हैं? जैन चैत्यालयम, अगर जिन चैत्यालय को बनाना चाहते हो, चैत्य को बनाना चाहते हो, जिन प्रतिमा को बनाना चाहते हो, और स्वास्थ्य ग्रह ग्रह नर्पदे अवश्य, यानी अगर वास्तु अपने का घर को बनाना चाहते हो, वास्तु शास्त्रम न लंगे, वास्तु शास्त्र का जो विधि है, विधान है, उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अब बताइए, भगवान के बताया हुआ मार्ग, आचार्यों के द्वारा प्रतिबित मार्ग, आप लोग गली मोहल्लों में अगर चिल्लाते रहने लग जाओगे वास्तु सब बेकार है, तो आप मुझे नहीं, जिन शास्त्र को, जिन वाणी को और जिनेन्द्र वाणी का अवहेलना कर रहे समझे। अब बनाओ ना बनाओ ये आपकी इच्छा है, वास्तु के अनुसार रहो ना रहो ये आपकी इच्छा है। अरे भाई, अगर इतना तो मत कहो कि वास्तु गलत है। वास्तु भी जो है वास्तविकता निर्माण करता। और एक बात, आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी हुए कहा है, द्रव्य आदि स्वादि संपत्ति आत्मनो व्यापिता मतः। आचार्य पूज्यपाद स्वामी से पूछा गया, भाई हम मोक्ष कब जाएंगे? उन्होंने कहा, जब द्रव्य क्षेत्र काल भाव, क्षेत्र का अर्थ क्या होता है? वास्तु।
अरे भाई वास्तु भी ठीक नहीं होगा ना तो भी मोक्ष नहीं जा सकते। तो कहने का तात्पर्य यह है मेरा, किसी से ज्यादा मुझे कुछ कहना नहीं, उससे इतना ही कहना है ये वास्तु हमारे जैन धर्म का एक ऐतिहासिक धरोहर है और अनेकों जो जनालय से निर्माण हुए हैं, अनेकों प्रकार के वास्तु प्रकार जो है निर्माण हुए हैं, और वास्तु प्रकार निर्माण होने के साथ साथ और जो वास्तु के विरुद्ध हुए और धराशायी हुए समाप्त हो गए। वास्तु भी वास्तविकता हमारा जैन धर्म का ही एक साहित्य है और सने सने जो है जब व्यापारीकरण हो जाता है, साहित्य जो है एक व्यापारी के लोगों में पहुंच जाता है, पंडितों में और लोभी के लोगों के हाथ में पहुंच जाता है, तो वह गलत रूप हो जाता है, उसकी विद्या जो है समाप्त हो जाती है। तो मैं कहने का तात्पर्य आपको ये कह रहा हूं, आचार्य कहते हैं आगे प्रतिष्ठा शास्त्र के अंदर, प्रसादो मंडप पश्चवम विना शास्त्रे न कृतः विपरीतम विभागेशो यो अन्यथा विनिश्चेत विपरीतम फलम तस्य अरिष्टम तु प्रजायते आयुर्नाशो मनस्ताप पुत्र नाशक कुल क्षय। क्या कहा आचार्य ने? कहा कि शास्त्र के विरुद्ध जैन चैताले चैत्य मंडप ग्रह दुकान आदि जो बनाता है वो अकाल मृत्यु पुत्र नाशक सुख नाशक कुल क्षय और मानसिक रोगी होता है, ये आचार्य कह रहे। कहा आयुर्नाशो जो वास्तु के विरुद्ध जो है ग्रह बनाता है, जिन शासन के विरुद्ध जो है ग्रह बनाता, आयुर्नाशो आयुष की नाश होता है, मनस्ताप मानसिक ताप निर्माण होता है, मानसिक रोग निर्माण हो जाता है। अगर कभी आपने देखा होगा पहले पुराने मकान में रहे तो बहुत स्वस्थ रहे होंगे और अचानक कोई नया मकान में आ गए, वहां जाने को मन नहीं करता, जाने के बाद मानसिक संताप, सब कुछ है, खाने को है, रहने को है, सोने को है, पहनने को है, घूमने को, सब कुछ होने के बाद भी सब कुछ नहीं जैसा महसूस होता है, हताश निराश जीवन होता है, कुछ न कुछ हो रहा है, कुछ न कुछ मन के अंदर आकुलता व्याकुलता निर्माण होती है, मनस्ताप है, मनस्ताप होता है उसका वास्तु का दोष के कारण। पुत्र नाश होता है कुल क्षय विपरीतम फल, ऐसे विपरीत फल की प्राप्ति होती है। अरिष्टम तो प्रजायते जो वास्तु के विरुद्ध जो निर्माण करते हैं भवन आदि, वो अनेकों जो है आपत्ति के ग्रास बन जाते, और इसलिए जो है बिना शास्त्र ने यह कृतः, इसलिए बिना वास्तु शास्त्र के कोई भी काम करे नहीं। कई लोगों को लगता है कि वो कर दिया ये कर दिया हमारा क्या हुआ, वास्तु का जो है बम्बारा धीरे धीरे फूटता है, वो एकदम रिजल्ट नहीं देता है, ये कैंसर की बीमारी जैसी है, वो कहीं ना कहीं पनपती है और एक ये अचानक जो है मनुष्य के जीवन में क्या हो जाता है, बोलो तीसरा स्टेज में आ जाता है। कैंसर की बीमारियां पता नहीं पड़ता है, पहले पहले बिगनिंग में पता नहीं पड़ता है, आराम जैसे हम सब जी रहे हैं वैसे ही जीता है, और उसके बाद धमाका जो आता है वह धमाका जो है आयुष के नाश का धमाका होता है कैंसर से। वैसे ही जो है मनुष्य के जो वास्तु है पहले बिगनिंग में बहुत अच्छा रहता है, परंतु अचानक ऐसा धमाका हो जाता है पूरा मैटम मेट हो जाता है, ऐसे फंस जाता है कि वो जिंदगी ही अपनी उभर नहीं पाता है और जीवन की सारा पुण्य क्षय कर होने के बाद सारा जो है उसको अनेकों प्रकार की समस्याओं का यह प्रकार अनेकों झेलना पड़ता है। कैसा आचार्य लोग जो है मूर्ख नहीं है, इतना स्पष्ट लिखा है कि जो विपरीतम फलम तस्य अरिष्ट तो प्रजायते आयुर्नाश मनस्ताप पुत्र कुल क्षयम्, इस प्रकार के अनेकों दोषों का जो है भागी होता है। अब क्या कहे, कई लोगों को क्या है पंत वेमो में
अध्यात्म के चक्करों में और दिशाहीन दशाहीन उन्मद भावनाओं में और नाम पैसा के चक्कर में कभी कभी अपना जो है ठोकने लग जाते हैं। परंतु वास्तविक ध्यान रखना, जो आचार्य ने ऋषियों ने मुनियों ने जो कहा है वो कभी गलत नहीं होता। वो प्रजाहित, पहले जमाने में प्रजाहित, जनहित, समाज हित हेतु ही जो है ये सारे साहित्य निर्माण हुए हैं। आचार्य ने कहा, मेरा तो इतना ही कहना, मैं इन चीजों में ज्यादा पढ़ता नहीं, पर जो सत्य है उसको बताने में कोई डरता नहीं। मैं इतना ही कहूंगा, आप मानो ना मानो, पर तो आगम को गलत कहना यह आप सभी के लिए उचित नहीं है। एक बार मैं राजस्थान में रहा और राजस्थान के प्रवास में, शायद वो तभी की बात है, 99 के पहले की बात है ये। मैंने उसके बाद एक कोई पंडित मेरे से, मैं पंडितों के चक्कर में कभी नहीं पड़ता, ध्यान रखना, जीवन में एक बात ध्यान रखना, मैंने नेम लिया है ना कभी पंडितों का विद्वानों का सम्मेलन करूंगा ना कराऊंगा। ये सारे पैसे से बिके हुए पंडित होते हैं, जितने भी पंडित हैं ये कोई भी यथार्थ प्रतिपादन करने वाले कोई भी पंडित नहीं होते हैं। ये गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास वाले पंडित होते हैं। और इसी कारण हमारा जो जितने जिन धर्म का नाश हुआ ये पंडितों ने ही नाश कराया आधा से ज्यादा। इसलिए कभी विद्वान सम्मेलन आज तक किया ना कभी करूंगा। इन विद्वानों ने साधु के संकट में कभी साथ नहीं दिया, साधु के छिड़के उतारने में हमेशा माइक में फटाके फोड़ते रहते। और जितने भी हमारे भारतीय विद्वान हुए हैं, कई विद्वान अच्छे भी काम किए, ऐसे भी नहीं है नहीं काम किए, बहुत अच्छे अच्छे विद्वान हुए हैं, पर 80% के बाद हुए हैं, बदमाश हुए हैं। साधु संतों के इतनी बुराया करते हैं लोग, जब तक इनसे पैसे लेते हैं और तब तक इनका ढोल बजाते हैं, और पैसा ले लिया और ये थोड़ा बहुत कमी हो गई तो इनके ऐसे छिलका निकालते, ऐसे छिलका निकालते, उन्हें पंडित नहीं पाखंडी कहना चाहिए। पंडितों के नाम पर जैन धर्म को लूटते आए हैं कई लोग, और ऐसे पंडितों को जो है हकाल पट्टी कर देना चाहिए देश समाज। हमारा कोई कोई वास्ता नहीं पड़ा किसी पंडित से, पर कभी कभी पड़ता है, अचानक भूले भूले भटके कभी कभी मिल जाते हैं तो हमारे पास आएंगे, उनका बुराई करेंगे और उनके पास जाएंगे, हमारी बुराई करेंगे। ऐसे जो है नारदों का काम किसी के पास मिलता है तो इन पंडितों के पास मिलता है। तो एक पंडित मेरे पास आया, बोले महाराज ये वास्तु पिस्तु बहुत चल रहा है आजकल वर्त में, कब की चाहिए, जयपुर में रहा होगा तब, बोले ये सब गलत है, वैसा है वैसा है। बोले तुमने क्या किया, बोले तुमने, हाँ मैंने उसको सब सुनता रहा। फिर एक धीरे से मैंने क्वेश्चन पूछा, तुम्हारा मकान जो है ना बनाया ना वो किस दिशा में है? बोले पूर्व दिशा में। मन, अरे क्यों यार भाई, पश्चिम दिशा में बनाता, बहुत अच्छा। ये महाराज ये तो गलत बोल रहे, वास्तु के हिसाब से तो पूर्व में होना चाहिए। अरे तुम मान नहीं रहे एक तरफ और कर रहे हो पूर्व में, बोले। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा, जितने तुमने प्रतिष्ठा या जोतने भी मंदिर के लिए बताया, वो सारे जो है मंदिरों का मूर्ति को जो है पश्चिम के मुख की तरफ बैठाना था, अधोमुखी कर देना था, बोले वो सब आगम में नहीं। तो क्या आगम में है? बोले आगम में ऐसा है कि मंदिर की जो प्रतिमा है वह जो है वेदी पर होना चाहिए, वेदी नाभि के ऊपर होना चाहिए और नाभि के ऊपर प्रतिमा बैठना चाहिए, और उनकी भगवान की जो नेत्र है, जो नेत्र है तो वो जो दरवाजा होता है ना गर्भगृह का, उस गर्भगृह के वो दरवाजा के सात भाग होना चाहिए, और सात भाग के अंदर जो सातवां भाग है उसके अंदर जो है दृष्टि जाना चाहिए। ये कहाँ लिखा है? बोले आगम में। त्रिवास्तु क्या है? वो यही तो है। तो कहने का तात्पर्य, बोलने वाले पंडित एक जगह,
ऐसे करते कभी वैसे बोलते, पर वास्तविक ध्यान रखिए, वास्तु के बिना वास्तविकता जीवन का नहीं है। वास्तु के अनुसार हमारे घर होना चाहिए, और बाय चांस हो गया हो तो घबराना नहीं, उसके लिए एक अवसर आप सभी को मिल रहा है। नवग्रह तीर्थ से नवरात्रि के दिनों में वास्तु शांति अर्थ महायज्ञ हो रहा है, जिसमें वास्तु के संबंधित अनेकों तीर्थंकरों, देव देवताओं, दिक्पालों का दिव्य आह्वान होगा और उन मंत्रों का जाप्य होगा जो वास्तु के संबंधित मंत्र है, और उसमें से आपके जो दोष शांति अर्थ महा